एसपी ने साहरघाट बेनीपट्टी हरलाखी खरहर सहित कई सीमावर्ती थाना का किया औचक निरीक्षण। शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई समेत अपराधियों पर नकेल कसने का भी दिया निर्देश। हरलाखी थाना के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से वार्ता करते एसपी सुशील कुमार ने जानकारी दी। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज, मैं हूँ शहजादी परवीन। मधुबनी जिले के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बुधवार को इंडो नेपाल बॉर्डर एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान वे इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित पेपरॉन चेक पोस्ट पहुंचे, जहां बारीकी से निरीक्षण कर आपराधिक गतिविधियों में प्रयोग होने वाले मार्गों का जायजा लिया। उसके बाद एसपी हरलाखी थाना पहुंचे, जहां पुलिस बल के द्वारा एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एसपी ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष हवालात व थाना परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने थानाध्यक्ष अनुज कुमार से विभिन्न मामलों के विषय में जानकारी ली। एसपी ने डायरी को अद्यतन करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान कई कांड व अभिलेखों की जांच, वहीं एसपी ने लंबित कांडों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। साथ ही गंभीर मामलों में त्वरित निष्पादन करने की बात कही। इस दौरान एसपी ने शराबबंदी को लेकर अभियान चलाकर शराब के कारोबारी व शराबियों पर नकेल कसने का निर्देश भी दिया। शराब माफियाओं के विरुद्ध सीसी एक्ट की कार्रवाई व संपत्ति नीलामी का प्रस्ताव भेजने का निर्देश थानाध्यक्ष को दी। शराब मामले को लेकर एसपी ने स्थानीय स्तर पर सूचना तंत्र और अधिक विकसित किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने संध्या एवं रात्रि गश्ती को बढ़ाने एवं आवश्यक जगहों पर पुलिस बल प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया। उसके बाद एसपी खरहर थाना पहुंचे, वहां भी उन्होंने विभिन्न कांडों के पंजियों को निरीक्षण के बाद थानाध्यक्ष अंजेश कुमार को आवश्यक निर्देश दी। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना के विभिन्न मामलों की जांच के बाद पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुए। साहरघाट एवं बेनीपट्टी थाना भी एसपी सुनील कुमार ने पहुंचकर निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ बेनीपट्टी एसडीपी अरुण कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर रंजीत निराला समेत अनुमंडल के कई थाने की पुलिस साथ थी। बिहार मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। आप देख रहे थे बीएनपी न्यूज़, मैं हूँ शहजादी प्रवीण। बिहार झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। हरलाखी थाना में अभी मैं रूटीन इंस्पेक्शन पे आया हूँ। इसके अलावा जो और भी बेनीपट्टी अनुमंडल अंतर्गत और भी जो सहारगत थाना क्षेत्र है, वहाँ भी इंस्पेक्शन कर रहा था। उसके अलावा जो बॉर्डर क्षेत्र है, जो बॉर्डर चेक पॉइंट है हमारा, जहाँ पे कस्टम की भी टीम रहती है और एसएसबी की टीम भी रहती है, वहाँ भी निरीक्षण किया है। बाकी इस थाना में भी जो पेंडिंग केसेस हैं और जो हीनियस टाइप के केसेज हैं, उसकी मैंने रिव्यू किया है। उसमें जो भी पेंडिंग गिरफ्तारी है या जो पेंडिंग वारंट और कुर्की के निष्पादन के लिए, उसके बारे में निर्देश दिया गया थानाध्यक्ष को, और केस के निष्पादन के लिए विशेष करके मैंने निर्देश दिया है। बाकी यहाँ पे चूँकि बॉर्डर एरिया है, तो शराब के इलीगल शराब का जो धंधेबाज हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, और उनके ऊपर जो है सीसीए का प्रस्ताव भेजना। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, जिसमें उसकी जो संपत्ति है जब्त की जाती है सरकार के द्वारा, उसके बारे में प्रस्ताव भेजने के लिए भी मैंने निर्देशित किया। तो यही है अभी, बाकी हम लोग लगातार इस पर रिव्यू कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो पेंडिंग केसेज हैं या जो केसेज अभी गिरफ्तारी के लिए लंबित है, उसकी गिरफ्तारी होगी तो अपने आप जो है।